पापा पापा कुछ पैसे चाहिए थे बच्चे लोगों के पटाखे खरीदने। इस बार मेरी सैलरी थोड़ी लेट से मिलेगी ना, कुछ पैसे आप देते तो। बात सैलरी की नहीं है बेटा, तुम समझते का ही नहीं हो। अरे तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि दिवाली में बम पटाखा फोड़ने से प्रदूषण फैलता है? समझा करो बच्चे लोग को, समझाओ यार। बताओ तुम। लाल प्रदूषण फैलता है, लाल लाठी पैसा देने के मन चालों का भाषण मारते। डार्लिंग। हाँ बीबी क्या हुआ? एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं करोगी ना? क्या हुआ बोलो ना। नहीं होंगी। पहले कहो गुस्सा नहीं करोगी। ठीक है बाबा नहीं होंगी, बोलो ना। पापा ने पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए क्यों? ओ, पापा ने कहा कि बम फोड़ने से प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलता है? अच्छा तुम्हारे पिताजी पिछवाड़े से बम फोड़ते हैं ऐसे करके, उसका क्या? वो तो दिवाली वाले पटाखे से प्रदूषण ज्यादा फैलता है। हाँ चले आए, पैसे नहीं दिए, मुझे बहाने मारते हो। हाँ अगर शाम तक अगर पैसे नहीं लाए ना तो तुम्हारे गांव में बम लगाकर तुम्हें भी उड़ा दूंगा तुम्हारे पिताजी के साथ। क्यों मार रही हो मेरे को? ठीक से साफ करो समझे, तुम्हारा पूरा धूल उड़ाने के वजह से मेरा नाक के पूरे बाल जल गए। इतनी लंबी नाक लेके मेरे सामने खड़ा होकर तुम्हें किसने कहा? दूर कहीं खड़ी नहीं हो सकती, देख रहा मैं साफ सफाई कर रहा हूँ तो धूल तो उड़ेंगे ही ना। मम्मी पूरा काली हो गई हो। देखो तो जरा मैं आईने में जाकर। एक चीज नहीं पकड़ी जाती तेरे से। हाँ बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बनाता है, नीचा की ऐसी लपाड़ लगाऊंगा ना कि पेंट गीले हो जाएगी तेरी, समझे? पापा मेरे को डांटो ना, चुपचाप काम करो, अभी टट्टी वाला घर साफ करना है। साले थट्टी के मुझे साफ करने के लिए कहता है? जा तेरी माँ को बोल या तू कर, मैं नहीं करने वाला। तुम अभी तक साफ ही कर रहे हो? मैं नहा कर चली आई, तुमने काला कर दिया था मुझे ना, और अभी तक तुम साफ ही कर रहे हो? हाँ अरे डार्लिंग कर तो रहा हूँ, तुझे दिख नहीं रहा है क्या? दिखाई तो दे रहा है कि पापा तो टाइम पास कर रहे हैं। साले शैतान के बच्चे, मैं टाइम पास कर रहा हूँ? हाँ जानती हूँ डार्लिंग इसने क्या किया, तब से चेयर पे चेयर हिलाया जा रहा है, अभी गिरते गिरते बचाओ नहीं तो दोनों टांग मेरे हाथ में आ जाते। डार्लिंग आके तुम चेयर पर उस शैतान के बच्चे को लेकर जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे जी तो लिए हो जवानी, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारा हाथ पैर भी टूट जाता तो तुम्हें घंटा कुछ फर्क पड़ता? अपनी जवानी में तो पूरे मौज स्पेंड कर लिए हो, अब क्या टेंशन है तुम्हारा? हाँ और वैसे भी जो पकड़ा है ना उसको ठीक से वो पकड़ा पकड़ने दो, मैं तो नहीं पकड़ूंगी, अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ समझे। मम्मी पापा तो बातें बना रहे हैं। छतरी के तू बातें बना रहा है? क्यों डांट रहे हो? हाँ चंदू सही कह रहा है, बातें बनाना बंद करो और चुपचाप साफ करो समझे, मैं तो ये झाड़ू लेकर तुम्हारे बम्बू में ठेल कर ना तुम्हें मोर बना दूंगी, मोर समझे। तो इस दिवाली बनेंगे पापा मोर, तो कैसे नाचेंगे मोर की तरह अब पता नहीं मुझे। तो गाइस सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा सभी को कि जितने भी बच्चे हैं ध्यान से पटाखा फोड़ा कीजिए, अपने हाथ वगैरह सुरक्षा के साथ साथ फोड़ा कीजिए, कोई भी किसी को दिक्कत ना हो ताकि आप लोग फुल एंजॉय कर पाए। तो गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए दबा के। हैप्पी दिवाली दिल से बोलिए।